सोमवार को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती समारोह मनाया गया। इस कड़ी में गोरखपुर कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। आयोजन में सर्वप्रथम राजीव गांधी के चित्र पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैयद जमाल ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोटिंग का अधिकार दिया। देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने का और पंचायती राज की जो परिकल्पना की थी, हमें उसे सपने को साकार करना है। गरीबों के हितों की रक्षा करनी है, भाजपा सरकार को हटाना है। आप सभी के सहयोग मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रेनी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज देश में चल रही सभी योजनाएं कांग्रेस की देन है। हम सभी कांग्रेसजनों को एक होकर किसान मजदूरों के हित की रक्षा करना है। कार्यक्रम के समापन के बाद गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रेनी ने कहा, आज जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके मनाया और आपके चैनल के माध्यम से हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही राजीव जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में इस देश के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिजिटल इंडिया के नारा दे रही है या मोदी जी जो भी आईटी के द्वारा या न्यूज चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने झूठ और लोगों को भ्रम जाल में लाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव जो भी लाभ वो इसका अगर किसी को देन जाता है, श्रेय जाता है तो वो केवल और केवल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी के देन है कि उन्होंने सूचना तकनीकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान को दुनिया में एक स्थान, एक मुकाम देने का काम किया, एक मुकाम पर ले आने का काम किया। साथ ही उनके द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं, सबसे बड़ी चीज़ें जो थी वो 18 साल के नौजवानों का मताधिकार देने की बात हो, चाहे वो श्रीलंका में सेना भेजे, जब भी देश की एकता अखंडता और क्षेत्रीय समृद्धता के लिए उनको ज़रूरत पड़ा तो ये देश हित में है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षति की परवाह न करते हुए देश के हित में वो सारे साहसिक कदम उठाए और वो से भी बड़ी, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि वास्तविक आज़ादी तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक सत्ता नहीं पहुंचाते। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता को गांव के अंतिम छोर तक ले जाने का काम किया। ये सारा चीज़ का श्रेय आज केवल और केवल राजीव जी को जाता है और निश्चित रूप से जब तक हिंदुस्तान ये देश रहेगा, राजीव जी के किए गए कार्यों को हम या ये देश भुला नहीं सकते।